अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विशाला, आप हमारा यकीन क्यों नहीं कर रही बेटा? हम जो कर रहे हैं आपके भले के लिए ही कर रहे हैं। इस शादी होने के दो फायदे हैं। सबसे पहले तो ये कि अबीर की जान बच जाएगी, और दूसरा ये कि शादी होने से आपके और आपके बन्ना सा यानी अबीर की कुंडली में जो दोष है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। दोष? हाँ समझन सा, दोष। ये तो आपने देखा ही था कि जिस दिन इनका रोका होना था वो हो नहीं पाया, और जब से इनकी शादी तय हुई कोई ना कोई अड़चन आती ही जा रही है। इस शादी से अबीर की कुंडली का दोष कैसे जाएगा? दोष निकालने का सिर्फ एक ही हल है। बलिदान, एक इंसान का बलिदान, एक ऐसा इंसान जो अबीर के लिए अपनी जान दे दे। ये तो हम सब जानते हैं कि विधि को कैंसर है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। हम उसकी रिपोर्ट्स फिर से पढ़ चुके हैं और हमें यकीन हो गया है कि विधि बस कुछ ही दिनों के मेहमान है। इसीलिए विधि हमारे प्लान के लिए परफेक्ट चॉइस है। इसलिए हम आप दोनों से कह रहे हैं, प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए। लेकिन विधि चुपचाप से शादी कैसे कर रही है? आप भूल रहे हैं हम डॉक्टर हैं। हमने उन्हें एक ऐसी दवाई खिला दी है जिसकी वजह से वो होश में नहीं है, और वो वही कर रही है जो हम चाहते हैं। त्रिशाला, आप बस यही समझिए, केस वक्त जो मंगलसूत्र और सिंदूर अबीर विधि को पहना रहे हैं शादी में, वो उनके बलिदान का टीका और माला है। इस वक्त जो सात फेरे वो ले रहे हैं वो शादी के सात फेरे नहीं। उनके बलिदान की परिक्रमा है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम कुंडलीकाक्षो, मंगलायनलु हरि, मंगलम ये ब्याह संपन्न हुआ। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। फिर से खिल गया
और जो पुरखों ने कहा था वो सच हो गया। प्रेम मिलन को तरसती दो आत्माओं का फिर से जन्म हुआ है। अनुमति बोली थी, इस पेड़ को ध्यान से देखो, इस पर एक दिव्य फूल खिला करता है, तो जब अगली बार इस पे फूल खिलेगा मैं थारे से ब्याह करूंगी। इस पेड़ पे 100 साल में एक बार फूल खिलता है, मतलब हमारा ब्याह इस जन्म में नहीं होगा। तो फिर अगले जन्म में करेंगे। जो पिछले जन्म में नहीं हुआ वो इस जन्म में हो गया। ये क्या हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए था पनासा, ये ब्याह नहीं होना चाहिए था। बंद करो अपना नाटक। जो होना था वो सब हो चुका है। बचाने आई थी, उनको छुड़ाने आई थी, मारे को कुछ याद क्यों नहीं है? वो तुमने दवाई ली थी ना विधि, उसके बाद तुम गई थी अबीर की मदद करने के लिए, लेकिन अचानक तुम्हें बहुत कमजोरी महसूस होने लगी, तुम कुछ कर नहीं पा रही थी। हमें लगता है शायद ऐसा तुम्हारी बीमारी की वजह से ही हो रहा था। फिर अचानक वहाँ पर गाँव वाले आ गए और हम भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि कहीं हमारे बेटे की जान को खतरा ना हो, इसलिए हम भी चुप रह गए। ये नहीं होना चाहिए था, खोर हमारे पे बहुत गुस्सा होंगे। हम आपको सिर्फ बचाना चाहते थे त्रिशाल, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा रिश्ता इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। और हमें आपके लिए जान देना मंजूर है, लेकिन आपके बिना किसी और के साथ रिश्ता बनाना बिल्कुल भी मंजूर नहीं। हम नहीं जानते कि माँ हुकुम ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। सचमुच हम कसम खा के कहते हैं कि हमें वो शादी बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी, हम नहीं करना चाहते थे वो शादी, लेकिन बंदूकों की नोक पे कराई हुई शादी भले ही वो हमारी मर्जी से ना हुई, लेकिन हम उसमें शामिल थे। और हम सच कहते हैं, वो लड़की से शादी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, ना उसका सिंदूर और ना ही उसका मंगलसूत्र। हम आपके गुनहगार हैं अबीर। गुनहगार आप नहीं, गुनहगार तो वो लड़की है, वो शुरू से ही हमें अलग करना चाहती थी। डॉक्टर रुको, हम पन्ना सा से उनकी खुशियाँ छीन नहीं सकते। मारे को पता है कि वो त्रिशाला बनी सा से प्यार करते हैं। मैं सबको सब सच बता दूंगी, हम ये शादी तोड़ देंगे और फिर कुंवर सा बनी सा से शादी कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये शादी तोड़ दोगे और गांव वाले यकीन कर लेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि अबीर ने शादी तोड़ी और फिर से वो उसके खून के प्यासे हो जाएंगे। अब तो हमने भी मान लिया है कि विधि का विधान यही है। जोड़े तो माँ जगदम्बा खुद बनाती है, हो सकता है कि माँ जगदम्बा की भी यही मर्जी है, इसलिए अब तुम्हें शादी निभानी होगी बेटा।